लंबी बारिश की खींच के बाद आखिरकार धार में आज बदरा जमकर बरसे। करीब दो घंटे तक हुई तेज बारिश के साथ ही आज धार शहर में अनेक जगहों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई, जो धार नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी धार की आदर्श सड़क पर TVS शोरूम के सामने एक साइड में घुटने घुटने पानी भर जाने के बाद वाहन चालकों को काफी मशक्कत करना पड़ी और दूसरी लेन से ही दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही में मुश्किलें बढ़ा दी थी। वहीं शहर के त्रिमूर्ति नगर, घोड़ा चौपाटी और मोहन टाके क्षेत्र में भी पानी भर जाने से राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नगर के पिपली बाजार, आनंद चौपाटी सहित जवाहर मार्ग पर भी नालों की सफाई न होने की वजह से पानी घुटने घुटने तक जमा हो जाने की वजह से क्षेत्रवासियों में कौतूहल का विषय भी बन गया। इधर करीब दो घंटे की बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है, जिससे अब बोनी के कार्य शुरू हो जाएंगे। वहीं गर्मी और उमस से जूझ रहे नगर और क्षेत्रवासियों को भी वातावरण में ठंडक का मजा मिलेगा। कई कॉलोनियों में भी इस तेज बारिश से पानी भर जाने की सूचना है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही कृषि उपज मंडी में अनाज लेकर पहुंचे किसानों को भी भारी नुकसान हुआ और कृषि मंडी में खुले में रखा अनाज भी भीग गया। वहीं SPDA ग्राउंड क्षेत्र भी पानी से लबालब भर गया था। Gracias.